बॉस ने मीटिंग बुलाई। बाहर बाहर उठो बैठो। तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर फिशर भगंदर पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार। कॉल या विजिट करें www.pilesfistulacure.com। जरी पटका में एक युवक पर धारदार हथियार से हमला कर उसकी हत्या करने का प्रयास किया गया। जख्मी राजेश सुरेश कुमार ब्रिजवानी हुड़को कॉलोनी जरीपटका निवासी को मेयो अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस मामले में जरीपटका पुलिस ने आरोपी ऋषि उर्फ लकी मधु शाहू के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार राजेश ब्रिजवानी ने पुलिस को बताया कि वह अपने दोस्त अमन मिथिलेश अमित सोनू के साथ मोबाइल पर बुधवार को आईपीएल क्रिकेट मैच देख रहा था। मैच खत्म होने के बाद अपने दोस्तों के साथ जरीपटका स्थित हुड़को कॉलोनी मंगलवारी बाजार बुद्ध विहार के समीप सार्वजनिक जगह पर खड़े थे। इस दौरान बस्ती का पूर्व निवासी ऋषि उर्फ लकी मधु शाहू रमाई नगर यादव गार्डन के पास कपिल नगर निवासी एक्टिवा पर वहां पर पहुंचा। आरोपी ने लकी से पूछा कि बोंडा कहां है, तब सभी ने कहा कि हमें नहीं मालूम। ये सुनकर लकी ने जेब से चाकू निकाला और हवा में लहराते ही बाकी मित्र भाग गए और लकी ने राजेश के पेट में चाकू रोक दिया। राजेश जब जान बचाने के लिए भागा तो लकी ने हत्या करने के इरादे से उसकी पीठ व हाथ पर वार किया, जिससे राजेश गंभीर जख्मी हो गया और इसके बाद एक्टिवा पर बैठकर फरार हो गया। जख्मी राजेश को उसके दोस्त उपचार के लिए मेयो अस्पताल में ले गए। राजेश का उपचार शुरू है और जख्मी राजेश की शिकायत पर सहायक पुलिस निरीक्षक शशिकांत ताड़े ने आरोपी के खिलाफ धारा 307 504 के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दिनांक 10/4/24 रात्रि 11:30 गुरुको कॉलोनी के फिरियादी जख्मी राजेश सुरेश कुमार ब्रिजवाणी व 31 वर्ष राहणार गुरुको कॉलोनी याचे ऋषी उर्फ लक्की शाहू याच्यासोबत किरकोळ वाद झाला आणि त्या वादाचे रूपांतर वादामध्ये लकी शाहू याने त्याच्या हातातील धारदार शस्त्राने जखमी राजेश याच्या पोटावर पाठीवर आणि डाव्या हाताच्या करंगळीवर मारून त्याला गंभीर जखमी केले। फिर्यादीस आम्ही तात्काळ मेयो हॉस्पिटलला ॲडमिट केले, त्याच्यावर शस्त्रक्रिया करून तब्येत आता त्याची स्थिर आहे। आम्ही सदर गुन्ह्यातील आरोपी लकी शाहू याला ताब्यात घेऊन त्याला अटक केली आहे। सध्या 14 तारखेपर्यंत त्याला पोलीस कोठडी मिळालेली आहे आणि सदर आरोपी हा ताब्यात असल्याने गुन्ह्याचा पुढील तपास वरिष्ठांच्या मार्गदर्शनाने आम्ही करत आहोत। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पानसी की रिपोर्ट।